फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई शरद पूनम की रात है, मधुबन में रचा महारास है, चारों दिशाओं में मुरली की तान, गोपियों के संग नाचे राधे के श्याम, धरती गगन झूमे होके मगन, गुंजन में छाया है प्रेम का रंग, करे चंदा की किरणें प्रकाश, मधुबन में आज रचेगा महारास, जमुना के लहरों में कैसा है शोर, ले गया मन मेरा हाय चित चोर, चरणों की दासी बावरिया हुई, मैं तो बस तेरी सांवरिया हुई, रख ले मुझको तू चरणों के पास, मधुबन में आज रचेगा महारास। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात और इस पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूर्ण करने का वचन दिया और अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महारास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधि वन ही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहां भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए और सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया। दिव्य नृत्य एवं प्रेमानंद शुरू हुआ। माना जाता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के संग वहां रास रचते हैं, इसलिए प्रेम निवेदन के लिए शरद पूर्णिमा का दिन उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए चंद्रमा का सौंदर्य पूरे वर्ष में इस रात को सबसे ज्यादा निखर कर आता है। इसलिए श्री कृष्ण ने महारास के लिए इसी दिन का चयन किया और हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। इसे सौंदर्य, कला, साहित्य को भी प्रभावित करने वाला माना गया है। जल तत्व का भी कारक है। शरद पूर्णिमा को बलवान चंद्रमा होने के कारण मनुष्य को अगर उसकी रोशनी में खड़े होए तो मानसिक बल की प्राप्ति होती है, जो जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करने में सहायक होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को प्रेम करने वाला दिन माना गया और प्रेम को प्राप्त करने वाला दिन भी माना गया है। और इस दिन को दोस्तों अश्विन माह की पूर्णिमा को आती है, जो कि इस बार 5 अक्टूबर को है, सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। इस पूर्णिमा को हम आरोग्य हेतु फलदायक भी मानते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा में आप ध्यान रखें कि कोजागर पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी हम इसको कहते हैं। कोई लोग इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं और इस दिन चंद्रमा, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता आदि की पूजन करने का विधान होता है। व्रत और कथा की जाती है। वीडियो के एंड में आपको कथा भी सुनाऊंगी मैं। और धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन अगर आप श्री सूक्त का लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करेंगे तो माना जाता है कि माता रानी लक्ष्मी माता आपके घर पे सदा के लिए निवास करती है। दोस्तों, इस विधि से अगर कोजागर व्रत करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन धान्य मान प्रतिष्ठा सभी सुख प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पे आपको क्या करना है? सुबह सुबह उठ करके व्रत अगर करना है तो व्रत का संकल्प लें और अपने इष्ट देव का पूजन करें। इंद्र भगवान, महालक्ष्मी का पूजन कैसे करना है? पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से। पीले रंग के फूल आप लक्ष्मी माता को ज़रूर चढ़ाएं। घी के दीपक जला करके गंध पुष्प आदि से पूजन करें। गरीबों को, नीडी पर्सन को खीर का भोजन अगर हो सके तो कराएं। अपने यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से करा जाता है। इसके बाद शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करना चाहिए। जागरण करने के लिए एक अच्छी सी खीर बना लें और उसको चंद्रमा में रख दें, चंद्रमा की रोशनी के नीचे रख दें और रात को 12 बजे के बाद उस खीर का भोग माता रानी को लगा करके सभी लोग व्रत का पारण करें और व्रत को खोलें, भजन कीर्तन करें।
दोस्तों ऐसा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जो उपवास करने वाली लड़कियां या स्त्रियां होती है, इस दिन सुबह सुबह लकड़ी की चौकी पर सथिया बना करके यानी कि स्वास्तिक बना करके पानी का लोटा भर के रखते हैं। एक गिलास में गेहूं भर के उसके ऊपर रुपया रखा जाता है और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर के कहानी सुननी होती है। गिलास और रुपया कथा कहने वाली स्त्री के पैर छू करके दिए जाते हैं। रात को फिर उस जल से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों कई लोग तो विशेष रूप से इस दिन तरबूज के 2 टुकड़े करके भी रखते हैं, साथ में कोई भी एक ऋतु का फल और खीर चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं। दोस्तों इस दिन माना जाता है कि चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। तो शरद ऋतु, पूर्ण आकार चंद्रमा और संसार में उत्सव का माहौल, हमारी पौराणिक मान्यताएं, ये सब संयुक्त रूप का यदि कोई नाम या पर्व है तो वो है शरद पूनम। दोस्तों 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की हम वेट करते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है। वर्षा ऋतु का बुढ़ापा हो चुका होता है, खत्म होने वाली है, और शरद ऋतु का बाल रूप का ये सुंदर संयोग हर किसी का मन मोहता है। दोस्तों आज भी इस खास रात का जश्न अधिकांश परिवारों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों रात को 12 बजे जब अमृत वर्षा होती है, ऐसा माना जाता है इसका लाभ अगर मानव को मिले तो बहुत ही खूबसूरत संयोग होता है। इसी उद्देश्य से चंद्र उदय के वक्त गगन के तले खीर और दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात 12 बजे के बाद करना चाहिए। दोस्तों मान्यता ऐसी आती कि इस तरह से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। इसके अलावा खीर यानी शीर, जिसको कहते हैं दोस्तों अमृत माना जाता है, देवताओं का प्रिय भोजन होता है। दोस्तों कई परिवारों में शरद पूर्णिमा के दिन एक ओर जहां चंद्रमा को पूजा करके दूध का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, वहीं अगर अनंत चतुर्दशी को किसी ने गुलाबाई का विसर्जन नहीं किया होता है तो वो भी किया जाता है। घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको उसकी आरती की जाती है। दोस्तों 5 अक्टूबर 2017 को धूमधाम से मनाया जाएगा और शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और भगवान भोलेनाथ की भी अगर आप चाहें तो शाम को पूजा करें और रात को केसर युक्त दूध या खीर का भोग लगाएं। दोस्तों इस अमृतमय खीर पान से मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है और शरद पूर्णिमा को कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, यानी कि देवी लक्ष्मी की पूजा मानी जाती है। चाहे पूर्णिमा किसी भी वक्त आरंभ हो, पूजा दोपहर 12 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त में की जाती है। पूजा में दोस्तों लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, धूप, दुर्वा, कमल का पुष्प, हरतकी, कौड़ी, आरी यानी छोटा कपड़ा, सुपड़ा एक ले लेते हैं, धान, सिंदूर और नारियल के लड्डू, ये सभी चीज़ें लेकर के माता रानी की पूजा करनी चाहिए। पूजन विधि में रंगोली और उल्लू ध्वनि निकाली जाती है। दोस्तों अनादि काल से चली आ रही ये प्रथा का फिर से निर्वाह किया जाएगा। कर लीजिए इस बार जोर शोर से उपाय और माता लक्ष्मी को अपने घर पे निवास कराना है। दोस्तों स्वास्थ्य और अमृत की चाह में एक बार फिर खीर शरद चंद्र की चांदनी में रखी जाएगी और प्रसाद स्वरूप हम सब उसका सेवन करेंगे। दोस्तों शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है। शरद पूर्णिमा हमारे कल्चर का एक ऐसा पार्ट है जिसको शायद कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग मिस ना करने लगे। दोस्तों शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में गरबा डांडिया के भी आयोजन होंगे, जहां पर प्रसाद के रूप में खीर का वितरण होगा। तो दोस्तों वहां आप जा सकते हैं तो वहां भी जाएं और इस दमकते चांद की शीतल रात में पूर्णिमा की संपूर्ण चांदनी में आप सभी इस पूनम का लाभ उठाएं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों कोई किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। टेक केयर, जय माता दी। Thank you.
Go ahead.